नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आप ही की डिमांड के हिसाब से मैं आज कुछ कंपनीज के बारे में अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो दो कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा वो दोनों कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दो रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप रिक्सी ट्रेडर्स है तो ही इस वीडियो को जरूर देखिए, अगर रिक्सी ट्रेडर नहीं है तो आप वीडियो को मतलब वीडियो से एग्जिट हो सकते हैं। तो मैं एक बार कहूंगा आप वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको कुछ पॉइंट्स जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए कि मल्टीपल का रिटर्न कमाने के लिए किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, किस तरीके से कंपनी के बारे में जानकारी रखना चाहिए, उसके बाद किस तरीके से आपको क्वांटिटी ऐड करके काम करना है। ऐसे नहीं कि आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपया है पूरा का पूरा पैसा डाल देंगे, ऐसे बिल्कुल कभी भी मत करना, क्योंकि ऐसे करेंगे तो आपका हाल कुछ इस तरीके से बबल जैसे आपका हो जाएगा। क्योंकि बबल्स में क्या होते हैं, जितना आप हवा भरते जाएंगे उतना वो फूलता जाएगा, और जब ज्यादा हवा वो भर देंगे तो वो ब्लास्ट भी हो सकते हैं, वो फूट भी सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आप उड़िए जरूर, मगर इस तरीके से रॉकेट जैसे उड़ने के लिए मत सोचिए, क्योंकि इस तरीके से जो कंपनी रॉकेट की तरह भागता है, छोटे कंपनी वो रॉकेट की तरह गिरते भी है। रॉकेट के जब मतलब फ्यूल खत्म हो जाता है, वो डायरेक्टली नीचे आने के लिए उतना टाइम नहीं लगाता है। तो मैं जरूर कहूंगा मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं, चार चार बार जरूर सोचना, क्योंकि आज मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा वो टोटली एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप कंपनी है जो स्मॉल कैप टाइप कंपनी बन सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि स्मॉल कैप टाइप कैटेगरीज कंपनीज के लिस्ट में आपके सामने एक एक करके वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो जितने सारे रिक्सी प्लेयर हैं उसके लिए ये सारे वीडियोस को मैं ऑब्वियसली कहूंगा कि स्टडी करिए, उसके बाद काम करने के लिए सोचिए, क्योंकि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर काम मत करना, और किसी के बात सुनकर काम मत करना, मेरे बात सुनकर भी नहीं। मेरा काम है आपको डिटेल्स देना, आपका सारे पॉइंट क्लियर करना कि कंपनी का बिजनेस क्या है, बिजनेस किस तरीके से हो रहा है वो क्लियर करना। काम करना है तो आपको ही करना है, अगर आप किसी भी कंपनी के ऊपर इंटरेस्टेड है तो प्लीज उसके ऊपर रिसर्च करके करना। तो चलो एक एक करके दो कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए, प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड इस कंपनी की बिजनेस क्या है, सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का टेक्सटाइल बिजनेस दिखा रहा है, तो एक्चुअली कंपनी का टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं है, एक्चुअली कंपनी का बिजनेस इंटीरियर कैटेगरीज के है। इंटीरियर कैटेगरीज मतलब आप जो होम डेकोर्स होते हैं, आप किचन के जो वायर्स होते हैं, लिविंग रूम के लिए, किचन के लिए, डाइनिंग के लिए, बेडरूम के लिए, जो आप इंटीरियर के काम कराते हैं तो उसका रेडीमेड एक मतलब जो फर्नीचर है वो बनाकर इस कंपनी बेचते हैं। वो अलग अलग कैटेगरीज के फर्नीचर बनाते हैं। देखिए, आप अगर स्टाइलिश मॉडलिस्ट आप अगर आप फर्नीचर चाहते हैं तो इस कंपनी के साथ आप डील कर सकते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस कंपनी के प्रमोशन कर रहा हूँ, मुझे तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करना के है कि नहीं वो मैं सोच रहा हूँ। तो देखिए, उससे पहले कंपनी की जानकारी तो ले लूँ और आपके साथ शेयर भी कर दूँ, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी में कितना स्टेबिलिटी है। देखिए, आज सोचिए एक बात को आप ध्यान से रखिएगा, आज इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। आज लोग घर खरीदने के लिए, भाड़े पे लेने के लिए, किसी भी करने के लिए उसको कोई ना कोई घर तो चाहिए है रहने के लिए, और रहने के बाद वो क्या करेंगे, वो खर्चा करेंगे इंटीरियर के ऊपर। देखिए, अगर रेडीमेड इंटीरियर अगर आपको मिल जाए और वो भी सस्ते दामों में, तो वो प्रोडक्ट आप जरूर खरीदारी करेंगे। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि देखिए घर में अगर खुद अगर इंटीरियर बनाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आ सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली वो इंटीरियर बहुत अच्छा होगा, और रेडीमेड इंटीरियर आपका हर हर साइड से देखा जाए तो उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी मैं जरूर कहूंगा जिसका शौक है कि इंटीरियर प्रोडक्ट को वो यूज करेंगे, तो मेरे हिसाब से उसको इस तरीके से कंपनी को आपको जरूर फोकस रखना चाहिए। अभी इस कंपनी बहुत छोटा है, इसके ऊपर सोच समझ कर काम करना है, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ तो आप काम कर लेंगे। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो आपको समझा रहा हूँ। देखिए, कंपनी का तो बिजनेस का प्रोडक्ट को आपको पता चल गया, अभी कंपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से कर रहा है वो देखना जरूरी है। देखिए, 200 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, सोचिए 200 करोड़ का है, कल जाकर अगर 2000 करोड़ बन गया तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो कितना होगा, ऑलमोस्ट 10 टाइम के आसपास। तो सोचिए, उस हिसाब से शेयर प्राइस भी 10 टाइम्स बढ़ सकते हैं। तो 10 टाइम्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो तो अलग बात है, कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। हाँ, इस तरीके से कंपनी बहुत रिस्की इसीलिए होता है क्योंकि बड़े बड़े ऑपरेटर इस तरीके से कंपनी को ऑपरेट भी कर देते हैं। अभी देखना है कंपनी का परफॉर्मेंस के सही में ठीक ठाक है। देखिए, ROC ROE बेस्ट है, ठीक ठाक एकदम बेस्ट लेवल में देखने को मिला, पी रेशियो भी ठीक ठाक है,
इंडस्ट्रीज पीरियसी भी देखा है तो ठीक ठाक लेवल में है। तो इसके हिसाब से इंडस्ट्रीज पीरियसी से कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है और कंपनी का एनुअल इनकम 7 करोड़ के आसपास है। देखिए 200 करोड़ का कंपनी 7 करोड़ इनकम कर रहा है, तो मेरे लिए तो मैं कहूंगा कंपनी ठीक ठाक लेवल्स में ही खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपनी के प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी है और जो मजेदार बात है कंपनी के 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, फ्री, मतलब कंपनी टोटली डेट फ्री कंपनी है। और कंपनी का देखिए इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ एसेट भी एवरेज के ऊपर है, रिटर्न ऑफ इक्विटीज 3 साल में 29% के आसपास है, ईबिटा मार्जिन भी एवरेज के ऊपर है, क्विक रेशियो भी 1% के ऊपर है और प्राइस टू बुक वैल्यू 4 टाइम्स 5 टाइम्स के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपनी का सेल्स ग्रोथ, देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल्स ग्रोथ दिखा दूं तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से है। कंपनी 9 करोड़ 2018 में, उसके बाद आप देखेंगे कंपनी 2019 20 21 22 23 हर साल में कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ते चले गए। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल की, उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट जो से लाखों में कंपनी का प्रॉफिट हुआ करता था आज वो करोड़ में हो चुके हैं और कंपनी फर्स्ट टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट को जनरेट किया करीबन 7.5 करोड़ के आसपास। तो मेरे हिसाब से छोटे कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और इसका बिजनेस जो मॉडल्स है वो आगे बढ़ने के लिए कंपनी को तैयार कर रहा है। तो देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी बहुत तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है और कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया 3 साल में 103% के आसपास और 5 साल में करीबन 50% के आसपास कंपनी आपको रिटर्न जनरेट करके दिए। अभी बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो देखिए कंपनी का रिजर्व जो 2018 में 2 करोड़ के 2.5 करोड़ के आसपास था आज वो 30 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। बोरिंग्स 0 है, कंपनी आज तक 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया, फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। और CWIP के बारे में बात करूं तो कंपनी का CWIP में आपको कुछ मतलब थोड़ा सा 12 लाख के आसपास कंपनी बिजनेस के ऊपर पैसा लगा के रखे है। अभी दो पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए, पहली बात कंपनी फिक्स एसेट में कितना इन्वेस्ट किया, फिक्स एसेट परचेज किया करीबन 1.64 करोड़ के आसपास और कंपनी का बोरिंग्स क्या है, बोरिंग्स एकदम 0 है, कोई भी कर्जा नहीं है। पहले एक बार कर्जा लिया गया था 2021 में 1.46 करोड़ का, अभी वो कर्जा पूरा का पूरा वो मिटा भी दिए है। तो यही कंपनी का खासियत है, तो इसलिए शायद इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है वो 66% है और बाकी पूरा के पूरा पब्लिक के पास होल्डिंग है। पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 33% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगा। इस कंपनी के ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है क्योंकि इतने माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर कभी भी इंस्टीट्यूशन भरोसा नहीं करेंगे। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर सोच समझ कर डिसीजन लेना क्योंकि कंपनी बहुत रिस्की है। मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए है तो कितना निवेश करेंगे, तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं अगर निवेश करूंगा तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं 1% के आसपास, मेरे इन्वेस्टमेंट का 1% के आसपास निवेश करूंगा। इसका मतलब 1 लाख के 1% होता है 1000, तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके मैं छोड़ दूंगा। बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्या हो सकते हैं वो अलग बात है। अगर हाँ आपका कैपिटल ज्यादा है तो उसके हिसाब से 1% के हिसाब से निवेश करिए क्योंकि कल जाकर इस कंपनी बंद भी हो जाए ना तब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 पैसा आप गवा सकते हैं, किसी भी हालत में गवा सकते हैं, ऐसे नहीं कि 1 लाख पूरा का पूरा निवेश कर देंगे तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो प्लीज ऐसे मत करिए, आप सोच समझ कर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम आप देख सकते हैं, उसका नाम है आरन इंडस्ट्रीज। तो देखिए आरन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो देखा जाए तो एक लिफ्ट बनाने वाला कंपनी है। अगर इस कंपनी का कंप्यूटर के हिसाब से बात करूं तो कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है। इस कंपनी का इंडस्ट्रीज है इंजीनियरिंग सेगमेंट में। अभी इंजीनियरिंग सेगमेंट मतलब कंपनी काम क्या करते हैं, चलो आपको दिखा देता हूँ। कंपनी देखिए लिफ्ट बनाते हैं, आप देखेंगे तो हर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में और हर ऑफिसेस में, आप किसी भी कॉरपोरेट जगह पे जाएंगे, किसी भी शॉपिंग मॉल पे जाएंगे, हर जगह पे आपको लिफ्ट दिखेगा। अभी तो बहुत सारे घरों में लिफ्ट लगाया जा रहा है क्योंकि लिफ्ट के बिना मान के चलिए आप 5 मंजिला का घर है तो उसमें आप एक ग्राउंड फ्लोर से टॉप लेवल तक जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत आ सकते हैं, तो इसीलिए लिफ्ट लगाए जाते हैं। तो लिफ्ट का जो डिमांड है वो दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कंपनी के देखिए 6000 से भी ज्यादा कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं और 30 से भी ज्यादा ऑर्डर कंपनी का एग्जीक्यूटिव भी और मतलब डेली बेसिस कंपनी कर रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो 1500 से भी ज्यादा कस्टमर इसका हैप्पी कस्टमर है इसके पास और साथ ही साथ वेट साइड रेंज ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन अवेलेबल कंपनी करते हैं। तो देखिए कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो लिफ्ट के जो गियर्स है, लिफ्ट के जो मतलब डोर्स वगैरह होते हैं, मशीन वगैरह होते हैं, साथ ही साथ कंपनी के सिस्टम्स और कंट्रोल पैनल मतलब जिस तरीके से लिफ्ट को कंट्रोल किया जाता है, साथ ही साथ इस मतलब आप देखेंगे तो एलिवेटर्स
सॉरी एलिवेटर्स जो है इस तरीके से कैटेगरी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है। तो मैनुअल डोर जो है, ऑटोमेटिक डोर जो है, उस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस है वो मेरे हिसाब से फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि इसको इस तरीके से प्रोडक्ट्स का डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। क्योंकि लिफ्ट के बिना किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक मंजिल से मतलब फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से टॉप लेवल तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए हर बिल्डिंग्स में लिफ्ट लगाया जा रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी में दम भी है, पोटेंशियल भी है। जैसे कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 250 करोड़, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। और इस बात को आपको मतलब ठंडे दिमाग में सोचना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आज 250 करोड़ है कंपनी, अगर 2,000 बन गया तो मुझे तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, इसके लिए मैं आज ही 1 लाख रुपये लगा देता हूँ। देखिए ऐसे मत करिए। हाँ, आपका कैपिटल 1 करोड़ है तब आप 1 लाख रुपये लगा सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा इस तरीके से कंपनी के ऊपर 1% का, मेरा पूरा कैपिटल का 1% का मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। 1% मान के चलिए मैं 1 लाख रुपया लेकर मार्केट में आया हूँ, तो मुझे इस तरीके से कंपनी के ऊपर 1% ही निवेश करना है। 1% का मतलब होता है 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपये से 1 रुपया भी ज़्यादा मैं निवेश नहीं करूंगा। कल जाके इस कंपनी बर्बाद भी हो जाए ना तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मेरे पास अगर मान के चलिए इस तरीके से स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप कंपनी, अगर मान के चलिए 20 कंपनी है, तो 20 कंपनी में अगर मैं सारे कंपनीज के ऊपर 1-1 हज़ार करके पैसा लगा दूँ तो सॉरी 1-1 हज़ार करके पैसा लगा दूँ तो मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 हो जाएगा। तो इनमें से मान के चलिए 15 कंपनी मुझे मेरा डूब गया, 15 कंपनी डूब गया और 5 ही कंपनी मुझे यहाँ पे आगे लेके जा रहा है, और इस 5 कंपनी मान के चलिए मुझे 50 टाइम्स रिटर्न दे दे चुके हैं। अगर 50 टाइम्स रिटर्न दिया तो कितना बनेगा, 5,000 बन जाएगा 50,000, और मेरा लॉस कितना होगा, 15,000 के आसपास लॉस होगा, क्योंकि 15 कंपनी डूब गया, मेरा तो 1,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट था, तो फिर भी मैं प्रॉफिटेबल में रहूंगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक कंपनी के ऊपर 5,000 लगा दिया, एक कंपनी के ऊपर 500 लगा दिया, ऐसे मत करिए। ऐसे आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगा और आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो हाँ, एक बात और जरूर कहूंगा आपको, जो मैं 5 कंपनी के 5 टाइम्स नहीं 50 टाइम्स रिटर्न के बारे में बात करूँ, इसके लिए आपको होल्ड करना होगा। आपको ये नहीं कि 5-15 कंपनी आपको लॉसेस में चला गया और बाकी कंपनी आपको 5 गुना रिटर्न दे रहा है तो आप निकल जाएंगे। ऐसे करेंगे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आपको रिटर्न कमाना है तो आपको भरोसा होना चाहिए, आपको रहना चाहिए इस कंपनी के ऊपर। तो देखिए इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से ठीक ठाक ही है, थोड़ा सा हाई है। आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है, इनकम मार्केट कैप के हिसाब से इनकम ठीक ठाक है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, और डेप्थ भी देखा है तो थोड़ा सा डेप्थ है, कोई बात नहीं, कंपनी खुद को ग्रोथ कराने के लिए डेप्थ तो लेंगे ही, कर्जा तो लेंगे ही। तो कंपनीज के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में डिस्कशन करूँ, कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स बढ़ते चले गए, ये कंपनी के लिए मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट है। सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस घटा और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है जो सिर्फ 4 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ था 2016 में, उसके बाद 5 लाख, उसके बाद देखिए करीबन 1 करोड़ के आसपास, उसके बाद आज कितना प्रॉफिट है करीबन 5.5 करोड़ के आसपास। तो कंपनी सिर्फ 10 साल भी नहीं हुए, सिर्फ के सर 8 साल में ही कंपनी अलग लेवल का परफॉर्मेंस दिखा है। तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइंस यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी तगड़ा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है और सीएजीआर का परसेंटेज भी धमाका जैसा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर मुझे मतलब मुझे बहुत शानदार लगता है, क्योंकि इस तरीके से कंपनी में अगर कंपनी चल गया तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट अब जरूर मिल सकता है। तो आपके क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व बहुत शानदार है, बोरिंग्स भी कम है। हाँ, थोड़ा छोटा मोटा यहाँ पे बोरिंग्स ज़्यादा उठाया गया इस बार, क्योंकि कंपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बोरिंग्स उठाए है। अभी बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए कर्जा उठाया है, और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। एज ए इन्वेस्टर सॉरी कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो कैश फ्लो है वो कुछ फिक्स एसेट परचेज में 4 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किए। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, देखिए कोविड के बाद इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किए। कोविड के बाद कंपनी लिस्टिंग हुई 2021 में, कंपनी लिस्टिंग एक्चुअली 2020 में नवंबर मंथ में कंपनी लिस्टिंग हुआ था, और उसके बाद देखिए कंपनी नीचे कभी नहीं आया, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, कंटिन्यूसली कंपनी हाई करते जा रहा है। और लोअर साइड से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस हुआ 800% का रिटर्न मिला।
इसका मतलब ऑलमोस्ट 8 गुना कंपनी आपको रिटर्न दे चुकी है। तो सोचिए इस तरीके से अगर 20 टाइम्स आपको रिटर्न दे दे तो आपका तो बन जाएगा ना। तो मैं जरूर कहूंगा ये आपके राय अलग हो सकते हैं, आप अलग डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरा काम था आपको सारे चीजों को दिखाना, मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको मैं ये कहूँ कि आप जाकर कल ही निवेश करिए। आप प्लीज सोच समझ कर आपके मतलब आपके खुद के मतलब बिलीफ सिस्टम के साथ आप कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करना, इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, आपके कोई भी स्टॉक के ऊपर मतलब डिस्कशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।